रनिंग रनिंग मतलब रनिंग के मूवमेंट के साथ साथ हम क्या करेगा बोनस यहाँ पे क्लियर है सर आजा सुनो पीछे सिक्स आजा सिक्स आजा यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे सिक्स और सेवन भी हो सकता है कम से कम ज्यादा गैप देखना पड़ेगा इन बिटवीन कार्नर कार्नर एंड कवर जोन का बीच में गैप होना चाहिए वो सिचुएशन पे ज्यादा हो जाएगा सो वो सिचुएशन के हिसाब से हम सिक्स लेवल कर सकते हैं सेवन पे भी कर सकते हैं ऐसा नहीं क्योंकि मूवमेंट अलग ही मूवमेंट ही रहे यहाँ पे टीचिंग पे आपको दिखाना टाइम डेमोस्ट्रेशन का टाइम थोड़ा सा ध्यान देना एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ये कभी भी एडवांस नहीं एडवांस होना चाहिए क्योंकि पीछे फॉलो आने आता रहे मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा पहले मैं सेट करना है मैं खुद देख रहा हूं रेडर को देख रहा होगा वो सेट कर रहा है देख रहा है पीछे तब वो पीछे हट रहा है कब वो इन बिटवीन कवर जोन कार्नर जोन का बीच में गैप क्रिएट हो रहा है तभी आप लोगों का मूवमेंट होता है कब ये पीछे वाला प्लेयर मतलब कार्नर जोन का प्लेयर पैसिव है मतलब पीछे नहीं आ रहा पीछे कवर नहीं कर रहा तभी आपको हो जाएगा इन केस मतलब मूवमेंट यहां पे पोजीशन आप लोगों को सेट करना पड़ेगा पीछे नहीं हटाया तो वो बोनस के लिए नहीं जाता आगे से वांटेज के लिए जाता तो वो देखना पड़ेगा वो पीछे जल्दी जल्दी जाता थोड़ा सा पीछे जल्दी सब पीछे देखो ठीक है यहां से स्टार्ट हो रहा है पीछे फॉलो नहीं कर रहा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा तभी मेरे को करना पड़ेगा एक चीज माइंड पे ध्यान रखो ये करने के टाइम आप लोगों का ऑब्जर्वेशन एंटीसिपेशन मतलब आपको सिचुएशन वहां पे क्रिएट करना है पहले बताया क्रास बोनस एक ही स्किल है लेकिन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन मैं अलग अलग स्किल को मतलब अलग अलग वेरिएशन पे आता क्यों यहाँ पे पीछे ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा ठीक है यहाँ पे ऑब्जर्व किया मतलब कोई नहीं पीछे मेरे को टाइम नहीं उससे ज्यादा टाइम है यहाँ पीछे एडवांस पीछे हटके जा रहा मेरे को चांस मिल रहा है वाइड डिफेंस के अंदर विड डिफेंस के अंदर सो इसीलिए मैं प्रिडिक्ट किया मतलब चांस मेरे को मौका दिया यहां पे आ जा रहा है पीछे आ रहा है बोल ट्रक यहां पे निकल गया मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहां पे जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है तभी ये मूवमेंट हम कर सकते हैं क्लियर है क्लियर है यस सर अब अभी अगेन स्टैंस क्या हो जाएगा डायगोनल डायगोनल स्टैंस मतलब ऑलमोस्ट सजेस्ट करते हैं हम लोग प्रेफर करते हैं डायगोनल डायगोनल क्योंकि अग्रेसिव रहेगा मूवमेंट फास्ट ये स्पेशली ये वाला मतलब फॉर्मर आता है वो एडवांस लेयर के लिए यूज होता है जो कि दोनों का बेसिक बिगिनर प्लेयर के लिए इंटरमीडिएट प्लेयर के आपको यहां पे सिखा सकते हैं क्योंकि यहां पे प्रतिदिन फ्रंट ऑफ सेकंड मेरे को स्पॉट जजमेंट यहां पे लेना पड़ेगा यहां पे मैं जा रहा हूं पीछे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा मैं एंटीसिपेशन किया तभी मेरे को जाना पड़ेगा ऐसा नहीं जाए हम क्रिएट करके डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते मेरे को ऑब्जर्व करना है पीछे नहीं आ रहा मेरे को पता है तभी मैं अंदर जा सकता हूं क्लियर है बस वन स्टैंड हो गया नेक्स्ट अप्रोच पे आप लोगों का अप्रोच इन द सेंस नियरेस्ट टू द टारगेट आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा टारगेट के पास आपको पहुंचना पड़ेगा तो इसलिए 102 स्टेप आप लोग क्या करेंगे मतलब टारगेट के पास आपको पहुंचना है 102 स्टेप रनिंग मोड विद चक द स्पीड ऑन द लीडिंग लेग ऊपर वहां पे चक क्लियर है टू अच्छा वहां पे आप लोग देख सकते हैं डायगोनल स्टैंड पे वो खड़ा क्लियर टू उसके बाद यहां पे मूवमेंट क्या हो जाएगा फ्लो पे वो डायरेक्टली मूवमेंट अंदर चला लेकिन यहाँ पे सीखा रहा मतलब वो स्किल को ब्रेक कर रहा है इसलिए एक स्टेप लेके हम क्या करेगा बोनस के प्लेस की तरफ वहां पे रखना क्लियर है यहाँ पे मूवमेंट चल गया फिर मैं प्लेसमेंट किया लिफ्ट किया साथ साथ में मेरा जो भी लीडिंग लेग होता है उसको बाहर लेके आता हूँ बाहर मेरा आउटर शोल्डर को मतलब देखकर पीछे ऑब्जर्व ठीक है यहाँ पे वन हो गया टू हो गया चक थ्री पे प्लेसमेंट लिफ्ट पीछे ऑब्जर्वेशन के लिए गार्ड का मैं ओपन क्लियर है फोर पे अगेन एज इट इज पहले वही बता रहा है यहाँ पे एडवांस स्किल देखना पड़ेगा पीछे कवर कर रहा है मेरा पाथ को डिफेंस में पहले ही बता रहा है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द राइडर राइडर का पाथ को ट्रेस करेगा वो पैसिव नहीं है अग्रेसिव नहीं है मेरा पीछे नहीं कर रहा तभी को सारे चीज बताना पड़ेगा पीछे ऑब्जर्वेशन आप लोगों को रखना पड़ेगा कौन आ रहा है क्लियर कौन से ले